अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आई हूँ इधर अपनी बहन की तरफ और एक सूट लेके आई हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सूट है, मुझे तो अच्छा लगा है। और जी जी सॉरी, इसका कैटलॉग दिखाती हूँ पहले मैं। सही नज़र आ रहा है? ओके अच्छा, ये जो है ना लॉन के ऊपर है, ये इसकी शर्ट है, दिखाना ज़रा। ये इसकी शर्ट है, ठीक है, गले पे एम्ब्रॉयडरी है, पता नहीं किस किस चीज़ की है, मेरे ख्याल तिल्ला भी है, सिल्वर और गोल्डन काम है और ग्रीन है, ठीक है ये। और अंदर देखो तो उन्हें रफे देखो, ये इसकी बैक साइड है और बाजू है, ठीक है। अच्छा राफे बात सुनो, क्या कह रही हैं? और ये इसका ट्राउजर है, ठीक है। अच्छा ये दुपट्टा जो है ना, दुपट्टा सबसे प्यारा है, ये कितने का आया था? 6,500। 6,500 का 3 पीस। अच्छा आपकी चॉइस है, चाहे आप 2 पीस ले लें, अगर आप 2 पीस लेते हैं तो वो आपको 4,500 का मिलेगा, दुपट्टे के साथ ही आपको 6,500 का मिलेगा दुपट्टा। दुपट्टे की लेंथ और जो इसकी चौड़ाई है ना, वो बहुत रीज़नेबल है, बहुत प्यारा है दुपट्टा ये, क्योंकि सूट जो है ना वो दुपट्टे के साथ ही ज़्यादा प्यारा लगना था, इसलिए ये 3 पीस ही लिया ना। और शादी है कारी, तो शादी पे क्योंकि गर्मियों की है, अभी हफ्ते में तकरीबन शादी में जो है 12-13 दिन रहते हैं, तब तक ये सिलाई हो जाएगी। और रेशमी सूट पहनने को दिल नहीं करता, बस अभी मैं आई, अभी मैं फुल चाट बनाऊँगी, फिर मैंने शामी कबाब बना लिए हैं, और क्या करते हैं बाकी मैं साथ साथ आपको के दिखाती रहूँगी। बस अभी मैं फ्रूट बना काट रही हूँ, फ्रूट चाट बनानी है, क्योंकि डेली फ्रूट चाट बनती है माशाल्लाह, और खाई भी जाती है, वैसे फ्रूट जो है ना वो पड़ा ही रहता है, तो मैंने कहा चले मुझे दें, मैं बनाती हूँ, लेकिन साथ एक हेल्पर को भी बुलाती हूँ ना, बंडी को बुलाया कि आई मेरे साथ और वो कटवाई आकर साथ। बस मैं यहाँ कबाब बना रही हूँ, शामी कबाब बनेंगे और बच्चों के लिए आलू और चिकन के कबाब बनेंगे, क्योंकि भांजों को बहुत भूख लगी है, इसके मैं रेडी करने लगी हूँ। ये चिकन और आलू के कबाब है, ये बच्चों के लिए, और इधर जो है मैं शामी कबाब बना रही हूँ। बस दाल थोड़ी सी रहती है, ये मैं कर लूँ फिर इंशाल्लाह रेडी है, क्योंकि मैंने जो है सारा काम देसी करना होता है, हाथों के साथ मैं इसको कूटती हूँ, उसमें चॉपर में नहीं करती हूँ, फिर बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसमें। बस ये बनाती जाऊँगी साथ साथ, बच्चे जो है ना बैठे हुए हैं कबाब का इंतज़ार कर रहे हैं। बस क्या है, मैंने कबाब बनाए, ये आलू और चिकन के बच्चों के लिए वो खाए इन्होंने, राफी नहीं खाता, राफी के लिए मैंने ये चिप्स बनाई आलू की, और अभी ये मैंने शामी कबाब जो है ये बनाने, इसको मैंने कर लिए, बस मोटा मोटा मुझे करना है, थोड़ा सा अभी स्पाइसी डालूंगी और हरा धनिया डाले, मुझे बीच में लगी भूख, मैंने कहा मैं फ्रूट चाट खा लूँ, क्योंकि किचन से तो मैं निकल आई हूँ, भूख लगी है। हसन ने तो कबाब खा लिया है ना, हसन हसन को सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी खाने से पहले ना। बस ये मटेरियल जब बिल्कुल रेडी है, मैंने इसको कर लिया कबाब बना रही हूँ, जल्दी से कबाब बना के मैंने कहा मैं शेव कर लूँ, बच्चों ने भी इतना शोर किया हुआ है। अच्छा राफे रुको दे रही हूँ एप्पल, बस 7-8 सालन ये करेले बनाए हुए थे, बच्चों के लिए चाइनीज़ कबाब थे, इनको तो खैर मैंने फ्रीज़ करना है ना, जो शामी कबाब है ये मैंने अपनी बहन के लिए बनाए हैं, और इनको फ्रीज़ कर दूँगी ना, उनको पसंद है। हाँ बस ये कि मैं अब खा लूँ पहले, बाद में ये सारे काम शुरू करूँगी, अभी मैं वीडियो अपनी ख़त्म कर लूँ। प्लीज़ जिसको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस कर देना। आप लोगों से लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।